यानी इस दुनिया में आने के बाद इंसान को दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलता, और फिर भी वो इंसान इस दुनिया में आने के बाद में क्या कहता है, घर भी मेरा है, परिवार भी मेरा है, जमीन भी मेरी है, माँ मेरी है, पिता मेरे हैं, बहन मेरी है, भाई मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, यानी जो कुछ भी है वो सब मेरा है। लेकिन मैंने तो यहां तक देखा है, बिना भजन के इस दुनिया जो मैंने उस दिन बताया था कि प्राणी को इस दुनिया में आने के बाद अगर सच्चा सुख मिलता है तो भगवान का चिंतन करने से मिलता है। क्योंकि तीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे वो इंद्र सुखारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, दासन दास कहे तुलसी, हरे भजन बिना हर जीव दुखारी। सच्चा सुख मिलता है तो भगवान का चिंतन करने से, भगवान का भजन करने से। पूरी जिंदगी मेरा मेरा करते रह जाओ, लेकिन मरने के बाद में साथ में कुछ नहीं जाता है। भक्त कहता है कि प्रभु जब तक तुम्हारा सहारा हमें मिलता रहेगा हम इस दुनिया में विचरते रहेंगे, और जिस दिन तुम्हारा सहारा छूट गया उसी दिन इस तन का वास मरघट में होगा। लिखा मैंने रतन कुमार छोड़ी इसी जग को, रतन कुमार छोड़ी इसी जग को, मरघट मिले बसेरा प्रभु जी। Thank you.
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।